और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारी संवाददाता यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। यशराज, खबर सामने आ रही है कि यूपी बिहार में शिक्षा देने वाले उत्तराखंड के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को रद्द कर दिया गया है, अधिक जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रतिनियुक्ति के नाम पर जो लगातार शिक्षक एक जगह पर स्थायी रूप से रहते थे, वहीं पर सबसे पहले जानकारी दी जाए तो प्रतिनियुक्ति अधिकतम 5 साल के लिए होती है। इसके बाद संबंधित जगह पर वापस आ जाना पड़ता है, लेकिन उत्तराखंड के कई शिक्षक पिछले 14 साल या फिर इससे अधिक समय से विभिन्न राज्यों में प्रतिनियुक्ति के नाम पर तैनात है। यानी कि उत्तराखंड के कई शिक्षक प्रतिनियुक्ति के नाम पर अलग अलग राज्यों में तैनात है। वहीं यदि बात की जाए तो राज्यों में से झारखंड बिहार में सबसे ज्यादा उत्तराखंड के शिक्षक तैनात है। और यदि इसको जानकारी इसमें आई है कि राज्य में शिक्षकों की उत्तराखंड राज्य में शिक्षकों की कमी के बावजूद वर्षों से उत्तर प्रदेश बिहार और दिल्ली में तैनात शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी गई है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा सचिव रविनाथ रमन को इसके निर्देश दे दिए हैं। और वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि संबंधित शिक्षकों के साथ ही उनके जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही होगी और जरूरत पड़ने पर इस तरह के शिक्षकों की सेवाएं भी समाप्त की जा सकती है। प्रिय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का एक बहुत बड़ा फैसला है जो लगातार उत्तराखंड में शिक्षकों की जो कमी हो रही है, शिक्षक जो प्रतिनियुक्ति के नाम पर बिहार झारखंड दिल्ली जैसे राज्यों में रह रहे हैं, वहां पर शिक्षा दे रहे हैं और खुद अपने स्टेट से अपने राज्य से वो अलग रह करके काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जाने की बात कही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो प्रतिनियुक्ति होती है यह 5 सालों तक होती है, लेकिन करीब 14-15 साल से लगातार उत्तराखंड के शिक्षक प्रतिनियुक्ति के नाम पर अलग अलग राज्यों में रह करके वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो बिल्कुल पूर्ण रूप से गलत है या रूल के बिल्कुल अगेंस्ट है। वहीं यदि कार्मिक विभाग के शासनादेश के मुताबिक बात की जाए तो प्रतिनियुक्ति अधिकतम 5 साल के लिए होती है, इसके बाद संबंधित व्यक्ति को अपने मूल जगह पर वापस आ जाना पड़ता है। लेकिन उत्तराखंड के कई शिक्षक पिछले 14 साल या कहा जाए इससे भी अधिक समय से प्रतिनियुक्ति के नाम पर अलग अलग जगह तैनात हैं। वहीं विधानसभा सत्र के दौरान भी यह मामला सामने आया, बहुत जोर शोर से विधानसभा सत्र के दौरान यह मामला उठाया गया था, जिस पर विभागीय मंत्री ने इस तरह के सभी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द करने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का जो कहना हुआ वो मैं जानकारी दे रहा हूँ कि उनका यह कहना हुआ कि प्रतिनियुक्ति के नाम पर जितने भी लोग राज्य से बाहर हैं उनकी ओर से कार्मिक विभाग के शासनादेश का उल्लंघन किया गया है, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और संबंधित शिक्षक के साथ ही 5 साल से अधिक समय तक जिसने इन्हें तैनाती की अनुमति दे रखी है उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है कि प्रतिनियुक्ति के नाम पर जो शिक्षक लगातार उत्तराखंड से बाहर रह रहे थे, अपना शिक्षा दे रहे थे, वही उनके खिलाफ तो सख्त कार्यवाही की ही जाएगी। यदि वो वापस आते हैं तो ठीक है, अन्यथा उनकी नौकरी चली जाएगी। और वहीं जो लगातार 5 साल प्रतिनियुक्ति के नाम पर 5 साल से अधिक समय तक एक जगह पर रहने की अनुमति दे रखे हैं, जो अधिकारी जिन अधिकारियों ने दिया है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही मंत्री जी ने कहा कि प्रतिनियुक्ति अध्ययन के लिए जाने वाले राज्य का नाम रोशन करने के लिए जाने वाले या फिर अन्य कई मामलों की जानकारी दी जाती है, लेकिन 5 साल से ज्यादा समय नहीं दिया जाता है। यानी कि अगर स्टेट में आप जा करके आप ये तैयारी कर सकते, आप शिक्षा दे सकते, लेकिन 5 साल से अधिक का समय किसी भी तरीके से नहीं है। वहीं विधानसभा में यह प्रकरण सामने आया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि राज्य में विभिन्न सरकारी स्कूलों के शिक्षक राज्य से बाहर विभिन्न प्रदेशों में प्रतिनियुक्त है और सबसे बड़ी बात है इनमें GIC बांडा पौड़ी में प्रवक्ता डॉक्टर विनोद शंकर मिश्र ने सबसे पहले यह अभियान चलाया था, शिक्षा अभियान इलाहाबाद में जो कागज थे उन्होंने इसकी जानकारी सबसे पहले दी थी। उसके बाद से लगातार इस पर कार्यवाही हो रही है और मंत्री इस पर आदेश दे चुके हैं। जी यशराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।